आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे इस एक वीडियो में। एक एक करके हर महत्वपूर्ण खबर जानेंगे। रायबरेली अमेठी को लेकर आ रही है ताजा लेटेस्ट अपडेट। दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पे आज होनी है सुनवाई। पूरी खबर विस्तार से। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, कोविशील्ड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बुरा फंसती जा रही है बीजेपी। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को लेकर भी आ रही है ताजा अपडेट। वहीं अगर आप मानते हैं कि इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत सकता है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर बताते चलें, प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी लोकसभा का चुनाव। राहुल के अमेठी जाने पर भी सस्पेंस बरकरार। ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। यूपी में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत अपने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं जो उसके कोटे में आई थी, लेकिन अपनी परंपरागत सीट यानी अमेठी रायबरेली को लेके अभी तक पार्टी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। खबर थी कि रायबरेली से प्रियंका गांधी, अमेठी से राहुल गांधी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं अब सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी सहमति के संकेत दिए है। वहीं राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं, इसको लेकर अभी फिलहाल कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। कि फिलहाल प्रियंका गांधी प्रचार तो करेंगी लेकिन वहां यहां पे खुद लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी नहीं पेश करेंगी, ये ताजा अपडेट निकल के आई है। दूसरी तरफ बीजेपी नेता वरुण गांधी ने इस यानी कि रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने से स्पष्ट मना कर दिया था, क्योंकि उनकी बहन प्रियंका गांधी यहां से उतर सकती थी। ये फिलहाल ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। अगर आप भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। एक और खबर की ओर चलते हैं। बंगाल में आ गई बीजेपी बैकफुट पे। बंगाल में पीएम मोदी की रैली को ममता दीदी की नो। बीजेपी नेता बोले अब अदालत जाने को मजबूर हैं। जी हां, आप सभी को बताते चले, बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बड़ा दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी की पब्लिक रैली 3 मई को यहां पर वर्धमान में होने वाली है, लेकिन बंगाल सरकार जानबूझ के रैली की परमिशन नहीं दे रही। यहां पर सीधे तौर पर बीजेपी नेता बौखला से गए हैं। आप सभी को बताते चले, अभी तक चुनाव आयोग ने बीजेपी के खिलाफ जो शिकायतें की गई हैं उन पर कार्रवाई नहीं की है। दूसरी तरफ आप जब बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, उन्हें रैली की अनुमति नहीं मिल रही किसी कारणों से, तो वह यहाँ पे कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। देख सकते हैं बंगाल में बीजेपी पिछड़ रही है, इसीलिए बीजेपी के नेता यहाँ पे एक के बाद एक बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ किन्हीं कारणों से यहाँ पे पश्चिम बंगाल सरकार मोदी की रैली को इजाजत नहीं दे रही है, ये ताजा अपडेट निकल के आई है। अगली खबर की ओर चलते हैं। है आज एक अहम सुनवाई। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी का मामला है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज शाम 4 बजे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। बताते चाहे दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से कैद में है और लगातार जमानत की मांग कर रहे, लेकिन अभी तक उनकी जमानत की अर्जी मंजूर नहीं हुई है। देख सकते हैं ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। दूसरी तरफ बिग ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने माना कि इससे दिल का दौरा पड़ सकता है। जी हां, आपको बताते चलें, भारत में कोविशील्ड वैक्सीन जो लोगों को लगाई गई थी उसको लेकर चौंकाने वाले दावे सामने निकल के आ रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन को बनाया था और सीरम ने 52 करोड़ का चंदा भी बीजेपी को दिया है। सोशल मीडिया पर काफी चर्चा तेज है। कोरोना के बाद हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की हजारों वीडियो सामने आए, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। अब ब्रिटिश कोर्ट में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, वैक्सीन से खून में जमाव हो सकता है, मतलब इसके चलते व्यक्ति में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भारत में कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ने 50 करोड़ का चुनावी चंदा भाजपा को दिया। चंदा बुरी बात तो नहीं है, बुरी बात यह है कि हजार लोगों की मौत के बाद भी सरकार ने एक कमेटी तक नहीं बनाई। सीधे तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं, एक तरफ वैक्सीन का धंधा चलता रहा, दूसरी तरफ बीजेपी को चंदा मिलता रहा। ये ताजा अपडेट निकल के आई है कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर। से आ रही है ताजा लेटेस्ट अपडेट। जेजेपी के पूर्व प्रदेश प्रमुख समेत अन्य नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस नेता हुड्डा बोले राज्य की सभी 10 सीटें पर यहां पे कांग्रेस विजय हो गई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में जेजेपी को बड़ा झटका लगा। जेजेपी के कई बड़े नेता, पदाधिकारी यहां पे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। और आपको बताते चलें, जेजेपी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पार्टी का परिवार
लगातार बढ़ रहा है। जेजेपी से कई नेता कांग्रेस परिवार में शामिल हो चुके हैं। आपको बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि इस बार हरियाणा में कोई मोदी लहर नहीं है और इस बार 10 सीटें हरियाणा के जो आती हैं लोकसभा की, वह सभी कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। अगर आप भी सहमत हैं इस बात से तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। एक और खबर की ओर बढ़ते हैं। होगा सत्ता परिवर्तन, देश में नहीं है कोई भी मोदी लहर। जी हाँ, पूरे देश में चल रही है बदलाव की हवा। केंद्र की सत्ता से बीजेपी का जाना तय, बोले हैं शरद पवार। दिग्गज मराठा नेता ने कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली या विपक्ष में विश्वास नहीं करती है। राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों पर उसे विश्वास नहीं है। शरद पवार ने कहा कि पूरे देश में इस बार बदलाव की हवा चल रही है। अपनी खामियों और विफलताओं को छिपाने का हर प्रयास बीजेपी कर रही है, लेकिन अब लोग यहाँ पर जागरूक हो गए हैं। बीजेपी के प्रति उनकी धारणा बदल गई है। देश का हर वर्ग बीजेपी सरकार से परेशान है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जाना तय है। शरद पवार महाविकास अघाड़ी उम्मीदवारों के लिए लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको बताते चले, महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी का सफाया तय है, ये भी बात कही है शरद पवार ने। को लगा बड़ा झटका, जी हाँ, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार से इस बार रामदेव के 14 प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया उत्तराखंड सरकार ने, जिसमें दृष्टि आई ड्रॉप भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव की पतंजलि को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने योग गुरु रामदेव के स्वामित्व वाली आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी, अखबारों में माफीनामा छपाया रामदेव ने। अब यहाँ पे इनके 14 उत्पादों पर उत्तराखंड सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। तत्काल प्रभाव से इनकी बिक्री रोक दी गई है, जो कि सीधे तौर पर पतंजलि के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये कार्रवाई उत्तराखंड सरकार ने ऐसे ही नहीं की, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तब हुई। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। इसमें उत्तराखंड सरकार ने बताया कि उन्होंने रामदेव की कंपनी के खिलाफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इसमें बताया गया कि उत्तराखंड सरकार ने 15 अप्रैल के आदेश से पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तब उत्तराखंड सरकार हरकत में आई है। पर ये आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो सामने निकल के आए थे, ताज़ा लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचाई हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, जिससे कि बड़ी खबरें आपके दोस्तों तक भी पहुंचें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।